हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल सॉल्यूशंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरोग्य ऐप जो गवर्नमेंट ने COVID-19 से बचने के लिए निकाला था। तो हम क्यों पीछे रहे, हमने भी सोचा कि इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर 15 अप्रैल को अचानक से आर्मी का एक बयान आया, उन्होंने अपने आर्मी जवानों को कहा, आर्मी के कुछ बड़े अफसरों ने, कि आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। अब भैया हमारा माइंड खटका कि आखिर चक्कर क्या है, कि आर्मी अगर ऐसी बात कह रही है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न हो सकता है। अब हम लग गए उसकी छानबीन में कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि आरोग्य ऐप को इस तरीके से आर्मी ने संभाल के यूज़ करने को कहा। अब वो संभाल के यूज़ करने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली यार माइंड क्लिक कर जाता है जब ऐसी आप न्यूज़ देखो कि यार ये क्या दिक्कत है भाई, ये कुछ तो चल रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो मैंने सारी चीज़ों का एक पूरा मंथन किया और दिमाग को पूरा यूज़ करते हुए पता लगाया कि इसमें जो कोडिंग यूज़ की गई है वो स्टैटिक है, वेरिएबल नहीं है। अब स्टैटिक कोडिंग में थोड़ा सा रिस्क रहता है हमारी इन्फॉर्मेशन का लीक होने का, क्योंकि कोई अदर बंदा इसको हैक कर सकता है और हैक किया भी। ये कोई एल्बर्ट एंडरसन करके कोई एक बंदा है, उसने इस ऐप को हैक करके हिंदुस्तान की पर्टिकुलर जो वो जगह चाहता था उसने उस जगह को ट्रेस करके ये पता लगा लिया कि कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव। अब उसने ये स्क्रीनशॉट ये ट्विटर पे अपना पोस्ट किया और ट्विटर पे डाल दिया तो हिंदुस्तान में खलबली मची। और जो इस ऐप से टेक्निकल टीम थी उन्होंने कहा भाई हम कैसे माने, उसने कहा ठीक है अभी मानोगे तुम। उसने सारी चीज़ें उन्हें दी, बोले ये तरीका है। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि हाँ ये टेक्निकल दिक्कत थी। अब उसमें कुछ कोडिंग चेंज की गई। अब उन कोडिंग्स को चेंज करते हुए फिर दिक्कतें क्या सामने आई, सबसे पहली बात कि ओपन सोर्स कोडिंग नहीं है। चलो ठीक है, अब बिलीव तो करना पड़ेगा। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको कुछ स्टेप में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप कि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है वो सेफ है या नहीं है, पहली चीज़। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपसे लेता है, आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका एड्रेस लेगा, ये सारी चीज़ें आपसे ये वेरीफाई कराएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ये सारी एक सोर्स में ये डाटा पूरा इकट्ठा हो जाता है। और ये डाटा इकट्ठा होने के बाद ये जाता कहाँ है, ये कुछ नहीं, एक एक सर्वर में ये सारा स्टोर हो जाता है। लेकिन क्या ये आपकी लोकेशन को ट्रेस करता है? तो मैं बता दूँ भैया हो भी सकता है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो ओपन सोर्स नहीं है जिसकी कोडिंग से हम ये पता लगा पाएं कि ये लोकेशन ट्रेस करता है या नहीं करता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी, इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकता। सेकंड चीज़ कि ये आपको COVID-19 से बचाता है या नहीं बचाता है, तो देखो भैया ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ आपको इंडिकेट करता है, ये आपको बचाएगा नहीं, ये आपको इंडिकेट कर सकता है। लेकिन इसका एक रीज़न है, हिंदुस्तान में ख़ासकर झूठ बोलने का बहुत बड़ा प्रचलन है। लोग इन्फॉर्मेशन देते समय भी लाइक FB पे भी लड़कियों का अकाउंट बना लेते हैं, तो भैया ये तो आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें तो इन्फॉर्मेशन वो कितनी बार गलत फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन है जब आप उसे फुलफ़िल कर रहे हों तो कोशिश करें कि यार करेक्ट इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एग्जैक्ट आप अपने उसमें वो प्रॉब्लम फिल ज़रूर करें, ताकि यार दूसरा एटलीस्ट सेव हो पाए। अदरवाइज आपने गलत इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर की तो वो आपको ग्रीन सिग्नल देगा, इट मीन्स आप COVID-19 इन्फेक्टेड नहीं है। और आप क्या करेंगे, उस ऐप को पॉकेट में डाल के आप इन्फेक्टेड तो हो नहीं, और आप घूमोगे और इसे पकड़ोगे उसे पकड़ोगे, दो चार को ज़रूर इन्फेक्ट करके घर वापस आ जाओगे पर डे, आपका ये सीन रहेगा। तो भैया ऐसा ना करो, अगर जो ये भी आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढो, क्योंकि हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम इस लेवल पे बढ़ी है यार, क्यों भुखमरी फैलाना चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी हम अपने हिंदुस्तान से बाहर निकालें,
हमें नहीं चाहिए ये, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है भैया, और सबसे ज़्यादा मजदूरों की तादाद हमारे हिंदुस्तान में है। तो इसका ख्याल रखते हुए हमें अपना भी ख्याल रखना है, हमें अपने साथ वाले लोगों का भी ख्याल रखना है, और अपने देश का भी ख्याल रखना है। और देश का ख्याल रखते हुए हमें इस बीमारी से बचना है। और इस बीमारी से बचने के लिए भैया सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको यूज़ करना है, ना कि ये पूरा ऐप पे डिपेंड होना। आपको जो उसकी प्रोटेक्शंस हैं, जितनी भी प्रिकॉशंस आपको लेनी है वो आपको लेनी होंगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप टेस्टिंग किट से टेस्ट ज़रूर कराएं, हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें, ये सारी चीज़ें आप करते रहें। लेकिन भैया ऐप पे इंफॉर्मेशन करेक्ट ही फुलफिल करें। अब देखो ये तो बात रही, अगर नोएडा में आप ऐप लेके नहीं घूमे ना, तो भैया आपका तो चालान कट जाएगा, आपको तो समझ रहे हो ना, डाल दिया जाएगा ये बड़े घर में, बड़ा घर जानते हो ना, डाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। अच्छा अब बात आती है कि भाई इस ऐप के थ्रू क्या हमारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भी ट्रेस की जा रही है, तो शायद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐप में तो उल्टा अपडेशन हो गया है, ऐप के थ्रू आप मोदी जी के भाषण सुन सकते हैं, आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट देख सकते हैं, कोविड 19 से रिलेटेड अगर जो भी अपडेट आ रहे हैं वो आप इस ऐप में देख पाओगे। अब क्योंकि ये ऐप ब्लूटूथ के थ्रू चलती है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ब्लूटूथ हमेशा आपका ऑन रहेगा, तो भैया मैंने पहले भी बताया था लोकेशन ट्रेस हो सकती है और नहीं भी, गारंटी नहीं लूँगा मैं इस बात की। लेकिन इस ऐप को आप किस तरीके से यूज़ करें ये मैं आपको बता सकता हूँ। ऐप यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐप यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसको इंस्टॉल करके उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट वे में फुलफिल करनी है। लेकिन उस ऐप को आप हमेशा ऑन रखेंगे, लेकिन भैया कोशिश करें कि इस ऐप पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये आरोग्य सेतु आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकता। आप ये कोई घंटी नहीं है जो घंटी बज जाएगी साहब, क्योंकि भैया कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में जो गलत इन्फॉर्मेशन फिल करके ऐप को पॉकेट में डाल के घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे विश्वास ना करें, इस ऐप पे भी इतना डिपेंड ना हो जाएं। अब देखो भैया गवर्नमेंट ने तो कर ली है फुल कमाई, अब मैं इतना बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी गवर्नमेंट की। देखो किसी भी ऐप का जब वो 100 मिलियन डाउनलोड हो जाती है तो उसकी कमाई इतनी होती है कि वो भाई मिनटों में बिलीनियर बन जाता है, मल्टी बिलीनियर, और उसकी 7 पुश्तें ना बैठ के खा सकती है, इतना पैसा होता है वो, इतना पैसा कमा चुका होता है कि उसकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी उसे, तब भी वो खत्म नहीं होगा। लेकिन अब भैया गवर्नमेंट, जब हिंदुस्तान की जो पब्लिक है और गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ बोल दी है कंपलसरी है, और हिंदुस्तानी पब्लिक अगर डाउनलोड करने पे आ जाए ना, तो बाबा टिकटॉक का आपको पता है ना, टिकटॉक किस लेवल पे हिंदुस्तान में डाउनलोड हो, क्योंकि भूखमरी, बेरोजगारी, आवारागर्दी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान वालों को आप सिर्फ बोल दो कि भैया ये करना है, अरे अभी लो पूरा भाई गधे की तरह पीछे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है, यहाँ मसला टिकटॉक का नहीं है, यह मसला है अपनी सेफ्टी का, यह मसला है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस का, फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन फॉलो करो आप, लेकिन कुछ स्टेप्स को इंक्वायरी करने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो ज़्यादातर ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं वो डिसेंट्रलाइज होती हैं। अब डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज ऐप जब होती हैं तो वो आपके डेटा को शेयर करने की परमिशन मांगती हैं। अब उस परमिशन में आपकी मर्जी है, आप अलाउ करो या नहीं करो। वैसे भी यार आप इतनी ऐप यूज़ कर रहे हो, सारी ऐप्स को तो आप अलाउ कर ही देते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, इतनी सारी आप यूज़ करते हो। आपको क्या लगता है कि आप इसमें अपने डेटा को इसके साथ शेयर नहीं कर रहे हो? आप शेयर कर रहे हो, आप अलाउ कर देते हो, आप इतनी एप्लीकेशन के साथ अपना डाटा शेयर कर रहे हो, तो आरोग्य सेतु के साथ अगर शेयर कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बाबा, देखो कर लो बेहतर है।
बट डिपेंड हो जाओ कि ये मुझे COVID-19 इन्फेक्ट होने से बचा लेगा, ये बात गलत है। इसका मैं टोटली डिनाई करता हूं। इस पे आप ये डिपेंड मत होना कि ये ऐप आपको बीमारी से बचाएगी। हाँ, ये ऐप आपको इंडिकेट कर सकती है, लेकिन इंडिकेशन इसका कितना सच है ये डिपेंड करता है बंदे की इन्फॉर्मेशन पे कि उसने जो इन्फॉर्मेशन फुलफिल की है वो सच है या झूठ है। अब गवर्नमेंट का अनाउंस देखो, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जो अनाउंसमेंट किया है 20 लाख करोड़ का, तो भैया बहुत बड़ा पैसा है। और मैं सिर्फ निवेदन उन लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, वो पूरा करेंगे, लेकिन भैया जो बीच के लोग हैं उसमें भैया देखो परेशानी सिर्फ आपको नहीं है, परेशानी सबको है। पैसा प्रॉपर आने दो, इस बड़ी मूंगफली को, इसके दानों को खा मत जाना बीच में, क्योंकि अगर आप लोग खा गए ना तो गरीब बहुत बुरी तरीके से पिसेगा। और ये गरीब की हाय अगर आपको लग गई ना तो भैया बर्बाद भी हो जाओगे। तो उस पैसे को प्रॉपर आने देना भैया, यूज़ होने देना। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव अगर है तो इस इनिशिएटिव को एक अच्छे वे में भैया ले लो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, और इसलिए कहूँगा क्योंकि अभी आम पब्लिक को, गरीब आदमी को उस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को भैया बीच में मत खाना, क्योंकि आप लोगों के खाने की वजह से पहले से हिंदुस्तान बर्बाद है। आप बीच में जो खा जाते हो ना, एक सड़क के लिए इतना रुपया आया, साला सड़क में तो कम लगा, बीच में खा गए। सड़क में लगा क्या? रेता। सड़क 10 महीने बाद फिर टूट गई। अब साला फिर लेकर आओ, इसके थ्रू फिर सड़क बनाओ, फिर उसमें पैसा लगाओ। साला एक बार में पैसा लगा दो ना यार, हैं, एक बार में पैसा लगा दो यार, क्यों बार बार झंझट पाल रहे हो? कम से कम कुछ साल तो चले यार, उसकी जो म्याद है उसमें तो चले, क्यों बर्बाद करने पे तुले पड़े हिंदुस्तान को? इतना पैसा है हिंदुस्तान में, सच बता रहा हूँ मैं, आज भी इतना पैसा है कि हमारा GDP रेट ना कोई छू नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन जो बीच में खाने वाले हैं ना, मैं खुल के बोलता हूँ, ये बीच में खाने वाले लोग ना हो ना तो हिंदुस्तान बहुत ऊपर निकल जाए। एक वीडियो सुनी थी मैंने, मैं खैर उस गाली को मैं यूज़ नहीं करूँगा, कि एक फ़कीर से एक पत्रकार ने पूछा कि भैया दिन में कितना कमा लेते हो? बोले 100-250 कमा लेता हूँ। बोले अच्छा, मैं बोले फिर इतने में कैसे गुजारा चलता है? तो उसने कहा कि अगर ये माफ़ करने वाले अपनी डैश ना करें ना, तो कम से कम 1500-2000 रुपये कमा लूँ। अब तुम सोच रहे हो, समझ सकते हो। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट स्टेप बहुत अच्छा लेती है, डिसीजन अच्छा लेती है, लोगों की हेल्प करने के लिए पैसा रिलीज भी कर देती है, लेकिन ये बीच में खाने वाले अपनी डैश ना करें ना, तो 110% हमारी जनता भूखी नहीं मरेगी। तो इस बार फाइनली सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जनता को भूखा मरने ना दें, और अभी वक्त नहीं है कि आप बीच में इस पैसे को रोकें या रिश्वत या अपने पेट को भरने की कोशिश करें, क्योंकि हर इंसान को इस पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो छोटा सही या बड़ा सही। खासकर मैं चाहता हूं कि हमारे गरीबों की मदद होती रहे, क्योंकि इस बीमारी से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इस वक्त पूरी तरीके से डरा हुआ है और भूख की तरफ जा रहा है। और देखो हिंदुस्तान में इसके हालात ज़्यादा बुरे हैं। तो दोस्तों, लोगों की मदद करते रहें, बीमारी से बचते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ।